Hi everyone, my name is Suryanjali and you're watching Distance Learning. ये वीडियो यूनाइटेड नेशंस की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है मैंने. यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत आता है जो कि GS2 पेपर का एक हिस्सा है. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके साथ काम करते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पर पहले आप ये जो यूएन का लोगो है, इस लोगो के दोनों तरफ ये ब्रांचेस और पत्ते दिख रहे हैं, ये क्या है और ये क्या दर्शाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो यहाँ हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि है एक जनरल इंट्रोडक्शन यूएन का, यूएन की हिस्ट्री, यूएन को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यूएनएससी दैट इज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और भारत की इसमें परमानेंट सीट की मांग का मुद्दा, अदर प्रपोज रिफॉर्म्स इन द यूएनएससी और फिर हम कंक्लूड करेंगे. यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे देश एकजुट होकर वर्ल्ड पीस और कोऑपरेशन प्रमोट करते हैं. वर्ल्ड पीस और कोऑपरेशन कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, तो आप प्लीज़ अगर कोई भी यूएन रिलेटेड प्रश्न आए तो इन दो शब्दों का उपयोग ज़रूर करें. यूएन का जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है. ये है यूएन का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में. जब यूएन और यूएस के बीच अग्रीमेंट साइन हुआ था हेडक्वार्टर्स के लोकेशन को लेकर, तो ये डिसाइड किया गया था कि जो यूएस के लोकल लॉज हैं वो इस पर्टिकुलर साइट में एप्लीकेबल नहीं होंगे. यूएन का मिशन, इसका मिशन है टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, डेवलप गुड रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज, प्रमोट कोऑपरेशन इन सॉल्विंग द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. फॉर अ फैक्ट, एन इम्पॉर्टेंट वन, यूएन को नोबेल पीस प्राइज मिला था 2001 में. यूएन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि पहला, सॉवरेंटी ऑफ स्टेट्स. इट सिंपली मीन्स दैट कि जो भी अंदरूनी सरकार होगी किसी देश की, उसको अपने तरीके से काम करने का पूरा अधिकार होगा. यूएन किसी देश की सरकार बनने की कोशिश नहीं करेगा. दूसरा है यूनिवर्सैलिटी. यूनिवर्सैलिटी का मतलब है एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल के तहत काम होगा ताकि सारे स्टेट्स को साथ में लाना आसान हो सके. हालांकि ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टर्म भी है क्योंकि कई देशों ने ये दावा किया है कि इसके चलते उनकी जो रीजनल यूनिकनेस है उसको इग्नोर कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, यूएन का जो वेबसाइट है वो अभी भी हर एक लैंग्वेज में एक्सेसिबल नहीं है, हर देश के लैंग्वेज में एक्सेसिबल नहीं है. तीसरा है इक्वालिटी अमंग स्टेट्स. ये बोलता है कि सारे देश, कोई चाहे गरीब हो या अमीर, या लैंड एरिया में छोटा या बड़ा, दैट डजंट मैटर एट ऑल, हर देश यूएन के सामने बराबर हैं. और आखिरी है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसका मतलब है कि हर देश अपनी सुरक्षा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके करेगा. हिस्ट्री, तो वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने से पहले ही यूएन को बनाने की नींव रख दी गई थी. जो इससे रिलेटेड मीटिंग्स हुई थी 1941 में और उसके बाद, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में दिए हुए हैं अर्जुन देव की बुक में, तो प्लीज़ उसको पढ़ लीजिएगा. वो अभी प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेंस में क्वेश्चंस आ सकते हैं. यूएन लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर है. लीग ऑफ नेशंस को वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1920 में बनाया गया था ताकि आगे चल के और कोई विश्व युद्ध ना झेलना पड़े. पर जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और इसलिए लीग ऑफ नेशंस की जगह यूएन को खड़ा करना पड़ा. ऐसा बोला जाता है कि लीग के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत सारे फ्लॉज थे जिसके कारण वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया और इसलिए फाइनली यूएन को स्थापित कर दिया गया अक्टूबर 24, 1945 में, जिसका मकसद सेम था लीग ऑफ नेशंस की तरह, टू प्रमोट पीस एंड प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वॉर. वेल, जिसमें यूनाइटेड नेशंस काफ़ी हद तक सफल भी रहा है अभी तक. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर. यूएन के स्ट्रक्चर के अंदर छह डिस्टिंक्ट बॉडीज आते हैं. पहला जनरल असेंबली, सेकेंड है सिक्योरिटी काउंसिल, फिर है सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दैट इज ECOSOC, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट इज ICJ एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल. तो जनरल असेंबली के अंदर सारे ही 193 मेंबर कंट्रीज हैं जिनको एक वोट देने का राइट मिला हुआ है. पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरल असेंबली के पास कोई अथॉरिटी नहीं है अपने डिसीजंस को एनफोर्स करने का, इसलिए जो असेंबली के रेजोल्यूशंस है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है. जबकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सारे डिसीजंस
लीगली बाइंडिंग है और वो अपने डिसीजंस को एनफोर्स भी कर सकता है इवन बाय इंपोजिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन अ कंट्री और बाय ऑथोराइजिंग जॉइंट मिलिट्री एक्शन. तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पावर है इसके पास एनफोर्स करने का अपने डिसीजंस को. सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स हैं, 5 जो कि परमानेंट सीट्स को होल्ड करते हैं और जो बाकी के 10 हैं वो हर 2 साल में जनरल असेंबली इलेक्ट करता है. जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर है. और यही वो 5 नेशंस हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की विनर्स रही थी. तो जो सेक्रेटेरिएट है वो यूएन के एग्जीक्यूटिव ब्रांच है. वो यूएन के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है और डे टू डे ऑपरेशंस को संभालता है. ये जो ब्रांच है सेक्रेटेरिएट जो है वो सेक्रेटरी जनरल हेड करता है जो कि यूएन का स्पोक्स पर्सन भी है. फॉर अ फैक्ट 1997 में जनरल असेंबली ने डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट क्रिएट किया था और करंटली एंटोनियो गुतरेस, तो एंटोनियो गुतरेस जो है वो ही सर्विंग एज अ 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन जो कि पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं. तो एंटोनियो से पहले ये 8 लोग थे सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के. तो एक बार इस लिस्ट को देख लें और यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जो भी सेक्रेटरी जनरल रहे हैं आज तक यूएन के वो कोई भी परमानेंट मेंबर कंट्रीज से नहीं रहे हैं. तो ये एक रिवाज बन गया है कि जो सेक्रेटरी जनरल्स हों वो परमानेंट मेंबर कंट्रीज से ना हो. नेक्स्ट इज इकोसॉक. इकोसॉक जनरल असेंबली के अंडर में काम करता है टू कोऑर्डिनेट द इकोनॉमिक एंड सोशल वर्क ऑफ द यूएन. इकोसॉक में 54 मेंबर कंट्रीज हैं जिनको जनरल असेंबली इलेक्ट करता है फॉर 3 ईयर्स. इकोसॉक जो है कुछ टॉपिक्स पे काम करती हैं जैसे कि मेडिसिन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशल नीड्स. इट प्रमोट्स हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स, फुल एम्प्लॉयमेंट, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस. इकोसॉक जो है वो कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ काम करती हैं. वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एक चार्ट है जिसका गूगल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है. और ये कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जैसे ILO, IMF, WHO और भी कई सारे हैं जो उस चार्ट में आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट इज ICJ, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है जो कि UN का जुडिशियल आर्म है. द हेग नीदरलैंड्स में सिचुएटेड है ये और ये वो कोर्ट है जो कि नेशंस के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है. इसमें 15 जजेस हैं जिसको सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलकर इलेक्ट करती है. ICJ कई बार न्यूज में होता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिटेल में कवर करेंगे हम बाद में. जब यूएन एस्टैब्लिश हुआ था तो उस टाइम पे बहुत सारे कॉलोनीज ऐसी थी जो इंडिपेंडेंस गेन कर रही थी, तो उन्हीं कॉलोनीज के ट्रांजिशन में हेल्प करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया गया था. तो जो लास्ट थी कॉलोनीज वो थी पलाऊ आइलैंड्स जिसको 1994 में इंडिपेंडेंस मिला था. उसके बाद से ट्रस्टीशिप काउंसिल इनएक्टिव ही पड़ा हुआ है. ये वो चार्ट है जिसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में. ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे ही वो 6 बॉडीज के बारे में दिया हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं और किस तरीके से काम होता है, वो आप कोई चार्ट देख कर समझ में आ जाएगा. इकोसॉक जो मैं बोल रही थी तो इकोसॉक के जो स्पेशलाइज एजेंसीज है यहाँ पे उसकी भी लिस्ट दी हुई है. यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि जो जनरल असेंबली में UNDP, UNEP और UNFPA और यूनिसेफ दिया हुआ है. इकोसॉक के अंदर में जो स्पेशलाइज एजेंसीज है उसमें FAO, ICAO, IFAD, ILO, IMF दिया हुआ है. सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड पॉलिटिकल मिशंस, पीस बिल्डिंग कमीशन और ये सारी चीज़ें हैं. तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टेटमेंट्स के थ्रू कि स्टेटमेंट्स दिया जाएगा कि जनरल असेंबली के अंडर में UNDP है, इकोसॉक के अंडर में स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि इकोसॉक के अंदर में स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, FAO है और ILO है. तो ये इधर उधर कर सकते हैं और उसको आपको ट्रू और फॉल्स देखना पड़ेगा कि वो सही है कि गलत है. UNSC एंड परमानेंट सीट फॉर इंडिया. सबसे पहले ये दो ग्रुप्स के नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. G4 ब्लॉक में 4 देश हैं जो कि UNSC में परमानेंट सीट्स की मांग कर रहे हैं. ये हैं जर्मनी, जापान, ब्राजील, इंडिया. वहीं जो यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस है जिसको कॉफी क्लब भी कहा जाता है वो G4 के ओपोनेंट्स हैं. वो नॉन परमानेंट सीट्स की को बढ़ाने की मांग करते हैं ना कि परमानेंट सीट्स को, और वो भी रीजनल बेसिस पर. और इसके प्राइम मूवर्स हैं इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, कनाडा, मेक्सिको, साउथ कोरिया एंड पाकिस्तान. इन कंट्रीज को याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि नेबरहुड राइवलरीज के अनुसार पड़ोसी देश हमेशा ही एक दूसरे को लेकर सस्पिशियस रहते. तो इटली जर्मनी को लेकर सस्पिशियस रहता है, और दो इनकी बाउंड्रीज एक दूसरे को टच नहीं करती पर ये
काफी नजदीक है ज्योग्राफी के हिसाब से, इसलिए जो इटली है वो जर्मनी को अपोज करता है, और जो सिमिलरली साउथ कोरिया जापान को लेकर, अर्जेंटीना ब्राजील को लेकर और पाकिस्तान इंडिया को लेकर अपोज करता है। इंडिया मांग कर रहा है परमानेंट सीट के लिए यूएनएससी में, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो ये बोल सकते हैं कि इंडिया इसलिए डिजर्व करता है यूएनएससी में परमानेंट सीट। पहला पॉइंट है कि इंडिया वॉज अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सेकेंड पॉइंट है कि वो 1/6 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि काफी ज्यादा है। थर्ड पॉइंट है कि वो इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ट्रूप्स का यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में। चौथा पॉइंट है कि इंडिया इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, जो कि 6.1% ग्रोथ रेट IMF के कैलकुलेशन के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इंडिया का जो पिक्चर है यूएन के सामने और वर्ल्ड के सामने काफी इम्प्रूव हुआ है, स्पेशली जब ICJ में इलेक्शन हुआ था और दलवीर भंडारी जी इंडिया से इलेक्ट होकर गए थे ICJ में। नेक्स्ट पॉइंट, जो इंडिया है उसको मेजर पावर्स का बैकिंग है, जो कि परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, चाइना को छोड़कर बाकी सारे परमानेंट मेंबर कंट्रीज ने सपोर्ट किया है इंडिया के मेंबरशिप को। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है सिक्योरिटी काउंसिल का पहले 8 बार। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिया ने कई बार अपने सिटीजन्स और बाकी देशों के सिटीजन्स को रेस्क्यू किया है कई कॉन्फ्लिक्ट रीजन से। उसमें से एक एग्जाम्पल है कि येमेन और साउथ सूडान से 2015 और 16 की बात है ये, ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन संकट मोचन के तहत इंडिया ने काफी लोगों को रेस्क्यू किया था। तो इन पॉइंट के हिसाब से इंडिया does deserve a membership in the permanent security council. इस proposed reform के अलावा और भी reforms हैं जिसको प्रपोज किया गया है यूएन में, यूएनएससी में। पहला है रीजनल रिप्रेजेंटेशन। यूएनएससी में यूरोपियन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि यूके और रशिया दोनों ही वहां पर है, तो रीजन्स लाइक अफ्रीका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन और वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं किया गया है यूएन के परमानेंट सीट पे। सेकंड पॉइंट इज कि चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स। वर्ल्ड वॉर टू के जो विजेता थे उन लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को बनाया था उस समय, पर यूएन चार्टर में कोई चेंज एज सच, कोई सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिला है। क्वेश्चन ऑफ वीटो, तो वीटो एक तरह का पावर है, नेगेटिव वोट है, जो कि जो परमानेंट मेंबर कंट्री से उनको मिला हुआ है, जिसके थ्रू वो कोई भी प्रपोजल कैंसिल कर सकते हैं इवन इफ बाकी 4 परमानेंट मेंबर कंट्रीज ने उसको हामी दे दी है, फिर भी एक पांचवा परमानेंट मेंबर कंट्री जो होगा वो उस प्रपोजल को कैंसिल करवा सकता है। फॉर एग्जांपल, चाइना ने बहुत ही बार मसूद अजहर को टेररिस्ट डेजिग्नेट करने से मना कर दिया था, जबकि बाकी 4 परमानेंट मेंबर कंट्रीज ने हमेशा ही इस प्रपोजल में हामी भरी थी। हालांकि अभी रिसेंटली 2019 में चाइना ने फाइनली जो है इस प्रपोजल को मंजूरी दे दी और वीटो नहीं दिया। लास्ट पॉइंट इज ट्रांसपेरेंसी वर्किंग मेथड। यूएनएससी के अंदर क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो अभी तक ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, तो ये भी मांग है कि इसको, जो यूएनएससी के वर्किंग मेथड्स है उसको ट्रांसपेरेंट और कंसल्टेटिव बनाया जाए, ताकि यूएन का ओवरऑल क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ सके। इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद यूएन अभी भी इकलौता ऐसा फोरम है जहां सारे देश साथ में मिलकर अपनी बात रख सकते हैं और प्रॉब्लम्स अपनी प्रॉब्लम्स सुलझा सकते हैं। यहाँ पर विंस्टन चर्चिल को कोट कर सकते हैं हम, उन्होंने 1954 में कहा था कि टू जॉर्ज वॉर इज बेटर देन टू वॉर वॉर। ऑल्सो द यूएन्स ग्रेटेस्ट एसेट रिमेन्स इट्स अबिलिटी टू स्पीक एज द वर्ल्ड्स वॉइस, ऑफरिंग लेजिटिमेसी एंड गाइडेंस ऑन द पास्ट नेशंस फॉलो टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। इवन अभी भी इस COVID-19 के क्राइसिस के टाइम में यूएन अपने ब्रांचेस और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जैसे कि WHO के साथ मिलकर सारे देशों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहा है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। आई होप कि इस नए युद्ध में हर देश की जीत हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। बाय बाय।